वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज लक्षण मम्मी एके उज्ज्वला चाई स्टाइल। और ये आज ब्लॉग स्टार्ट करी, मेरा बर्थडे ब्रिंग इन होने वाला है अभी। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादा मन कर रहा था चिकन फ्राई खाने का, और मनीष के हाथ का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बाहर का खाने से अच्छा, क्योंकि मेरा दो तीन दिन की नहीं, हफ्ते से बहुत तबीयत ठीक नहीं चल रही है। दो मिनट रुको। और ये वाईफाई लग गया हमारे घर में, नया टीवी नया आ गया है, सब कुछ नया है, और एयरटेल का वाईफाई लग गया है, और कपड़े धुल रहे हैं इतनी रात को। और मनीष ने बर्थडे शुरू होने से पहले मेरे लिए स्पेशल चिकन बना चुका है, और अभी मैं खाऊंगी। लक्ष्मी को खाना खिला दिया, अभी मैं खाऊंगी। लिटरली आई एम थैंकफुल ग्रेटफुल, और बाकी बाद में बात करती हूँ, क्योंकि जब आगे केक भी कटेगा तब बात करेंगे। क्या पता केक लाया है क्या नहीं, कुछ पता नहीं, मुझे कुछ बताता नहीं है। और आज तो क्योंकि एयरटेल वाले भैया आए थे तो मुझे तो अंदर रखा था, तो मुझे पता नहीं है कि केक लाया है नहीं लाया है। आज फ्रिज भी खोल के देखा नहीं, क्योंकि मैंने फ्रिज का पानी भी बंद कर दिया, इतना मेरी बीमारी चल रही थी। सो अब फिलहाल ठीक हूँ, देखते क्या होगा, कुछ सरप्राइज है या नहीं पता नहीं। और मुझे बोला है कि अंदर रुको और तैयार हो जा, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा मेकअप किया और जो कपड़े पहने थे वही पहने। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के बैठी हूँ। मैंने बोला मैं कपड़े नहीं चेंज करूँगी, बट थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ मैं। अभी देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, कुछ बताते तो है नहीं, और टीवी का आवाज़ इतना जोर जोर से आ रहा है। शायद केक लाया है तो केक कट करेंगे और बर्थडे की शुरुआत करेंगे। आई लव यू ऑल, ग्रेटिट्यूड है इस साल के लिए। बट ये साल शुरू हुआ था एक बहुत ही उदास वाले नोट पे। आई लॉस्ट माय ब्रदर, एज हाफ ऑफ द पीपल को पता होगा, सो आई मिस हिम। एंड बीच में मनीष की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत कुछ हुआ, बट ठीक है, सब फैमिली है मेरे पास, बहुत सारी फैमिली है, बहुत सारा प्यार है। ये बाहर हैप्पी बर्थडे का गाना लगा रहे यूट्यूब पे, ओह माय गॉड, ये लोग सच्ची में क्या बोलूँ। बट रियली मैं होप करती हूँ, क्योंकि जुलाई 1st से ऑब्वियसली नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर आ रहा है, तो होप ये साल अच्छा जाए, बाकी का जो 6 महीना है वो अच्छा जाए। और ग्रैटिट्यूड है सबके लिए, ऑलमोस्ट 24K सब्सक्राइबर्स है मेरे यूट्यूब पे, एंड मोस्टली 82K फॉलोअर्स है इंस्टा पे। बहुत ज़्यादा प्यार आप इतनी बड़ी फैमिली के लिए, दोनों को मिला के 100K के ऊपर होते हैं, मतलब 1,00,000 के ऊपर लोग हैं। सो आई लव यू ऑल, एंड देखते अभी क्या सरप्राइज देते। थोड़ी इमोशनल हूँ क्योंकि ये साल इतना खास नहीं रहा, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी बहुत दुख से हुई थी, बट होप ये आगे का जो 6 महीना है बहुत अच्छे से गुजरे, और जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि आई नो जिस पोजीशन पे मैं हूँ या जिस जगह पे हूँ वहाँ पर आने के लिए भी लोग तरसते हैं। और मेरे साथ तो मेरे मम्मी पापा है, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, और बहुत ही प्यारी सी मेरी फैमिली है। और एक चीज़, हैप्पी एनिवर्सरी टू मधु भाभी एंड मुकेश भैया, क्योंकि उनके भी शादी का सालगिरह आज ही के दिन होता है, और बहुत सारा प्यार उनको, वो वन ऑफ द बेस्ट कपल है इस वर्ल्ड के, और ऐसे ही उनका प्यार बरकरार रहे। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है मधु भाभी की, बट मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी बधाई और ढेर सारा चुम्मे उनके लिए। कल देखूँगी अगर टाइम मिले तो मिलने जाऊँगी उनको, और कुछ नहीं, देखते अब केक क्या सरप्राइज देते। कॉपीराइट लग जाएगा तेरे हैप्पी बर्थडे के गाने पे, रुक मैं स्टैंड पे लगाती हूँ। ओह सच अ लवली केक, ओह माय गॉड, फाइनली आई एम 27। Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे। रुक रुक रुक, क्या कर रहे तुम? बस थैंक यू सो मच। चल आ जाओ निश, तीनों काटेंगे। दिख रही हूँ क्या मैं? लाइट को चालू है क्या? देख लाइट चालू है क्या गाइस? लाइट चालू है क्या? थैंक यू सो मच। मैं दिख से रही हूँ क्या? कहाँ से आते हैं ये? मेरा बर्थडे आपने देख ही लिया, अंधेरे में उजाले में जो भी था आपको वीडियो मिल ही गया होगा। एंड थैंक यू सो मच। इधर आ शोना, इधर आ। थैंक यू सो मच। ऊपर आना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस, फॉर द डिलीशियस ब्लेस। यस, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके, 12 से पहले ही लोग विश कर रहे थे, बट ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और दाजी का भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे दाजी। उनका फोटो डाल देती हूँ यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच ग्रैटिट्यूड, सो मच लव फॉर ऑल ऑफ यू, एंड सो मच ग्रैटिट्यूड फॉर द गॉड कि मुझे एक और साल दिया उन्होंने अपनी लाइफ का। एंड और क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलूँ, बट ये था रात का व्लॉग बर्थडे ब्रिंगिंग का। और कल क्या होगा उसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, लक्ष्यू भी बहुत एक्साइटेड। ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी सारी फैमिली एक्चुअली गांव में है, तो यहाँ पर सिर्फ मम्मी पापा हम लोग ही है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ मनाएंगे नहीं मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर कल जो भी होगा वो आपको दिखाऊंगी, एंड ढेर सारा प्यार आपको, बहुत सारा दुआएं और बहुत बहुत सारा चुम्मा। एंड क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं कुछ बोल चुकी हूँ, आपको पता ही है। ग्रैटिट्यूड है बहुत सारा, मेरी अम्मा अम्मा और कुशल तो अब भी गए गाँव, वो लोग बर्थडे के लिए रुकने वाले थे लेकिन देवर लाइक और भी काम होते हैं सो वो लोग चले गए। लेकिन ऑलरेडी मम्मी का भी फ़ोन आ चुका है, सीमा वहनी का फ़ोन आया, युवराज ने विश किया और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने विश कर लिया अब तक 12 बजे से पहले पहले ही, बट हो गए 12। थैंक यू, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, एंड होप यू लाइक द वीडियो गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, पीस आउट। क्योंकि ब्रिंग इन का वीडियो था तो बहुत छोटा है, नेक्स्ट वीडियो होगा जो पूरा दिन क्या करेंगे वो बताऊँगी। अभी के लिए बाय, और मुझे अपने दुआओं में याद रखना, बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारी बेस्ट विशेज देना। और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक। अब बस नींद आ रही है मुझे, लिटरली नींद आ रही है। आज दोपहर में ठीक से सोई नहीं, सोई थी बट ऐसा मतलब गहरी वाली नींद नहीं सोई, तो अब सोऊंगी, बहुत नींद आ रही है। सो बाय गाइस, बाय बाय बाय, सो मच लव, बाय। एंड सॉरी गांव के व्लॉग्स अभी भी बचे लेकिन एडिट नहीं हुए, तो वो बाद में डालूंगी, अभी फिलहाल बर्थडे व्लॉग एंजॉय करो। बाय बाय।